हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने पिछले दिनों रेसे एवं वस्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया था और एस्बेस्टॉस फाइबर क्या होता है इसके बारे में जाना था। और आज हम लोग क्या है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, रेयॉन फाइबर। किसको पढ़ने वाले हैं? रेयॉन फाइबर। कि रेयॉन फाइबर का निर्माण कैसे होता है, रेयॉन फाइबर को कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है और रेयॉन फाइबर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, आज हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो क्या है कि जो रेयॉन होता है वो फाइबर को सेमी नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो रेयॉन फाइबर को सेमी नेचुरल फाइबर क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि जो रेयॉन होता है वो ना तो पूरी तरीके से प्राकृतिक रेशा है, ना तो वो पूरी तरीके से कृत्रिम रेशा है। पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि जो रेयॉन होता है उसको हम लोग संश्लेषित रेशे के अंतर्गत रखते हैं। संश्लेषित रेशे के अंतर्गत हम लोगों ने किसको रखा था? रेयॉन को रखा था। पर रेयॉन ना तो पूरी तरीके से संश्लेषित रेशा है, ना तो पूरी तरीके से प्राकृतिक रेशा है। क्यों? अगर हम बोल रहे हैं कि वो संश्लेषित रेशा है तो उसमें क्या प्रकृति वाली चीजें यूज हो रही हैं? कौन कौन सी? जैसे कि लकड़ी का गूदा हो गया, बांस का गूदा, मतलब उनका जो सेलुलोज हो रहा है उसका यूज हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक रेशा है तो यहाँ पर बहुत सारे एसिड और बेस का यूज हो रहा है, जैसे कि NaOH हो गया, H2SO4 हो गया, CF2 हो गया, इसका यूज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेयॉन एक सेमी नेचुरल फाइबर है, ना तो ये पूरी तरीके से प्राकृतिक रेशा है, ना तो ये पूरी तरीके से कृत्रिम रेशा है। ठीक, आई होप आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मानव निर्मित पहला रेशा है। ठीक, ये मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा है। कौन? रेयॉन। जो हमें पहले क्या था, इससे पहले कि जो हमें प्रकृति से रेशा प्राप्त होता था, हम उसको थोड़ा सा क्या करते थे, मॉडिफाई करते थे और उससे धागा बना के अपने वस्त्र को तैयार कर लेते थे बुनाई करके। ठीक, पर यहाँ पर क्या है कि जो मानव ने बनाया वो हमारा पहला रेशा कौन सा है? वो रेयॉन था। जो हमारा पहला रेशा था वो कौन सा था? रेयॉन था। ठीक, अब इसके बाद में जो रेयॉन होता है, रेयॉन को कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है? जो रेयॉन है इसको कृत्रिम रेशम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो रेयॉन होता है वो रेशम के समान बुना जाता है। किसके समान? रेशम के समान बुना जाता है और ये देखने में बिल्कुल रेशम के जैसा लगता है। जो हमारा हमें कैसा लगेगा कि एक जैसे हैं, दोनों क्या करते हैं कि दोनों शाइनिंग मारते हैं, बट वो रेशम नहीं होता है। रेशम वो होता है जो ओरिजिनल वाला रेशम वो होता है जो हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ये रेशम से सस्ता भी होता है। कौन? रेयॉन। रेशम से सस्ता भी होता है और रेयॉन जो होता है कई किस्मों में रंगा जा सकता है, मतलब उसमें कोई भी रंग जो हो वो आसानी से क्या होता है, चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है कि लकड़ी और किससे? लकड़ी और बांस के गूदे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लकड़ी और बांस के गूदे से बनाया जाता है। कौन? रेयॉन। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि रेयॉन फाइबर के निर्माण की कौन कौन सी विधियां होती हैं? ठीक है, तो रेयॉन फाइबर को हम लोग किसकी किससे बना सकते हैं, विधि कौन सी? एक विस्कॉस विधि होती है, एक नाइट्रो विधि होती है, एक क्यूपरा विधि होती है। तीन विधियों से क्या है कि हम रेयॉन फाइबर को बना सकते हैं। तो जो विस्कॉस विधि होती है इसके द्वारा जो फाइबर बनाया जाता है, इसके द्वारा जो रेयॉन बनाया जाता है उसको विस्कॉस रेयॉन बोलते हैं। ठीक है, और जो नाइट्रो विधि द्वारा क्या होता है कि रेयॉन बनाया जाता है उसको नाइट्रो सेलुलोज रेयॉन बोलते हैं, और जो क्यूपरा विधि द्वारा रेयॉन बनाया जाता है उसको क्यूपरा मोलिनियम रेयॉन बोलते हैं। बट जो विस्कॉस विधि होती है ये हमारे सिलेबस में है और विस्कॉस विधि से ही क्या होता है कि उत्कृष्ट श्रेणी का रेशम जो ये होता है रेयॉन, या इसी को कृत्रिम रेशम बोलते हैं, तो ये हमको विस्कॉस विधि से ही उत्कृष्ट श्रेणी का प्राप्त होता है। और ये जो ये विधि होती है ये सस्ती भी होती है। कौन सी विधि? विस्कॉस विधि जो होती है ये सस्ती भी होती है। किसकी अपेक्षा? नाइट्रो विधि की और क्यूपरा विधि की अपेक्षा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले किसको देख लेते हैं, विस्कॉस विधि से विस्कॉस रेयॉन कैसे बनता है। ठीक, इसको देखते हैं।
तो जो हमारा विस्कोस विधि होती है, इसका पहला स्टेप होता है कि सर्वप्रथम लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सेलुलोज में संसाधित कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में सेलुलोज को 17.5% NaOH के घोल में 50 घंटे तक उपचारित किया जाता है, तो इसको सोडा सेलुलोज में बदल देता है। मतलब क्या है कि अगर हमें विस्कोस विधि द्वारा विस्कोस रेशम रेयॉन को तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे, या लकड़ी की क्या होगी, छीलन होती है जो कि हमको बढ़ई के पास मिल जाती है, और क्या होती है, लकड़ी का बुरादा होता है, हम इसमें से कुछ भी ले लेंगे, ठीक, लकड़ी का ले लेंगे, बांस का ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। उसको लेने के बाद में हमें क्या करना है कि 17.5% NaOH का सॉल्यूशन लेना है, फिर उसमें इस चीज को क्या कर देना है, बुरादा हो या लकड़ी के टुकड़े हो या उसकी छीलन हो, उसको उसमें क्या करना है, 50 घंटे तक फुला देना है। किसमें, 17.5% NaOH में। कितने घंटे तक, 50 घंटे तक इसको क्या कर देना है, फुला देना है, ठीक है। जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं। रेटिंग का मतलब ये होता है सड़ाना और गलाना, ठीक, आपने एक वर्ड इसमें पढ़ा होगा कि रेटिंग क्या होती है, तो वो रेटिंग यही होती है कि किसी चीज को सड़ाना या क्या करना, गलाना, ठीक, आना या गलाना जो होती है वो रेटिंग कहलाती है, तो यही रेटिंग है। तो हमें क्या कर लिया कि हमें लकड़ी के टुकड़े ले लिए, छीलन ले लिया, बुरादा ले लिया, कुछ भी ले लिया तीनों में से, उसको क्या कर लिया कि NaOH के घोल में डालकर उसको सड़ाया गलाया को, कब तक, 50 घंटे तक। जब क्या हुआ कि जब ये इतना टाइम होने के बाद क्या हुआ कि जो लकड़ी का बुरादा था उसका जो सेलुलोज था उसमें, वो किसमें परिवर्तित हो गया, सोडा सेलुलोज में बदल गया, ठीक है, सोडा सेलुलोज में बदल गया। अब इस सोडा सेलुलोज को क्या किया कि हमने CF2 के साथ में इसकी क्रिया करवाई, सोडा सेलुलोज की किसके साथ में, CF2 के साथ में क्रिया कराई, तो यहाँ पर सोडा सेलुलोज बना था, अब यहाँ पर सोडियम सेलुलोज जैनथेट बन गया। अब क्या बन गया, सोडियम सेलुलोज जैनथेट बन गया, ठीक। अब सोडियम सेलुलोज जैनथेट को क्या करेंगे कि NaOH के तनु विलयन में ले जाएंगे, सोडियम सेलुलोज जैनथेट को NaOH के तनु विलयन में ले जाएंगे, तो क्या होगा कि जो सोडियम सेलुलोज जैनथेट है वो NaOH के तनु विलयन में घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या होगा कि यह एक शहद जैसा तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एक शहद जैसे तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। जब इस तरल पदार्थ को हम H2SO4 से क्या करेंगे, गुजारेंगे, तो जो ये तरल पदार्थ है, मतलब जो ये सेलुलोज है, वो एक जो ये कौन है, तरल पदार्थ है, वो सेलुलोज के लंबे लंबे फिलामेंट के रूप में हमको दिखने लगेगा, ठीक है, तो सेलुलोज के लंबे लंबे फिलामेंट के रूप में ये उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या, जिसे विस्कोस रेयॉन बोलते हैं, जो ये फिलामेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, विस्कोस रेयॉन बोलते हैं। अब इसको पूरा देख लेते हैं, इस प्रोसेस को पूरा अच्छी तरीके से जान लेते हैं, बिल्कुल छोटे से पॉइंट में, क्या कि सबसे पहले हमें लकड़ी का छीलन लेना है या लकड़ी के टुकड़े लेने, लकड़ी का बुरादा लेना या तीनों लेना, जो मिल जाए आपको ले लेना है, पर होना चाहिए लकड़ी का। अब इसके बाद में इसको क्या करेंगे, सड़ाएंगे गलाएंगे, कब तक, 50 घंटे तक, किसमें, 17.5% NaOH में। फिर इसके बाद में क्या करेंगे कि हमें सोडा सेलुलोज मिल जाएगा, जब ये सड़ जाएगा गल जाएगा तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, सोडा सेलुलोज मिल जाएगा। इस सोडा सेलुलोज को हमें क्या करना है कि CF2 जो होती है उससे गुजारना है, ठीक है, किससे गुजारना है, CF2 से गुजारना है। तो जो CF2 से हम गुजारेंगे तो जो सोडा सेलुलोज होगा वो सोडियम सेलुलोज जैनथेट में बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, सोडियम सेलुलोज जैनथेट में बदल गया। अब इसके क्या है कि सोडियम सेलुलोज जैनथेट को जैसे ही हम क्या करेंगे, फिर से हम NaOH के तनु विलयन में क्या करेंगे, इसको गुजारेंगे। फिर हमने इसको गुजारा तो ये एक जो सोडियम सेलुलोज जैनथेट था वो NaOH के तनु विलयन में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। घुलने के बाद में क्या हो जाएगा, एक तरल पदार्थ का रूप ले लेगा जो बिल्कुल किसके जैसा होगा, शहद के जैसा होगा। जब हम इसके क्या है कि शहद जैसे तरल पदार्थ को H2SO4 से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो इसमें सेलुलोज होगा वो एक लंबे लंबे फिलामेंट के रूप में हमको दिखने लगेगा, और उसी फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोस रेयॉन बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रेयॉन बनकर तैयार हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि जो ये रेयॉन के रेशे बने हैं, रेशे से क्या बनता है, धागा बनता है, जब उसकी
रेशे की कताई की जाती है। तो धागा बना, फिर धागा से क्या बनता, धागे की किया हुई बुनाई हुई तो उससे क्या बन गया, वस्त्र बन गया, मतलब क्या बन गया, कपड़ा बन गया। ठीक है, बुनाई के बाद कपड़ा बना, फिर कपड़े पर क्या की गई, सिलाई की गई, तो हमारे क्या बन गए, वस्त्र बन गए, जो हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है, विस्कोस विधि से बनने वाला जो रेयन होता है वो उत्कृष्ट श्रेणी का होता है, और यह विधि कैसी होती है, बहुत सस्ती होती है। इसके बाद में इस विधि में लकड़ी और बांस की गूंदे का प्रयोग किया जाता है। इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि यह रेशम के समान बुना जाता है और रेशम से सस्ता होता है, और ये रेशम के जैसा ही दिखता है बट रेशम नहीं होता है। ठीक है, बस ये फर्क होता है कि रेशम जो हमारा होता है नेचुरल वाला, वो हमें कीटों से मिलता है। कीटे क्या, उसके जो कीड़े होते हैं रेशम कीट, उसमें ग्रंथियां होती हैं, उससे वो क्या करते हैं, लार निकालते हैं, तो उस लार में सेलुलोज होता है, और वो सेलुलोज क्या करते हैं, वो अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं, और लपेटने के बाद क्या होता है कि वो सेलुलोज सूख जाता है, मतलब वो लार सूख जाती है और वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, सिल्क में। तो वो वहां पर रेशम कीट से सेलुलोज निकल रहा था, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सीधे लकड़ी से सेलुलोज को निकाल रहे हैं, उसकी लुगदी बना रहे हैं, और उससे क्या हो गया, हम रेशम बना रहे हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, फिर इसके बाद में क्या है कि जो रेयन होता है, रेयन में कॉटन को मिलाकर, किसको, कॉटन या कपास को मिलाकर क्या है कि बिस्तर की चादरें बनाई जाती है, चादरें बनाई जाती है, जैसे कि बेडशीट वगैरह हो गई। ठीक है, तो वो बनाई जाती है। अब इसके बाद में क्या, आपने देखा होगा जो नई बेडशीट होती है वो कैसी अच्छी सी शाइनिंग मारती है, क्यों, क्योंकि उसमें रेयन मिला होता है और कॉटन भी होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो अच्छी दिखती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि इसको ऊन के साथ मिलाकर गलीचा बनाया जाता है। जो हमारा रेयन फाइबर होता है, अगर हम इसमें क्या कर दें कि वूल को मिक्स कर दें ऊन को, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा खासा गलीचा या कालीन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में क्या, रेयन का कपड़ा जो होता है शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है। ठीक है, ये कपड़ा कैसा होता है, शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है, मतलब ये खिंचता नहीं है कि ऐसे खींच दो तो ये फट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में क्या होता है, रेटिंग की प्रक्रिया का प्रयोग जो होता है रेयन रेशे के निर्माण में किया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया कि किसी चीज को सड़ाना या गलाना ही क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। तो रेटिंग की प्रक्रिया का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, रेयन रेशे के निर्माण में, किस जगह पर, यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या हो रही है कि हम 50 घंटे तक इसको सड़ा गला रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रेटिंग बोल रहे हैं। ठीक, इसके बाद में ये जो 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर किसमें, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तुम्हारा प्यारा निर्मित रेशा कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, किस रेशे को सभी वस्त्रों की रानी कहलाने का गौरव प्राप्त है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। किस रेशे को सभी वस्त्रों की रानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है, कि जो रेशा है कौन सा रेशा सबसे अधिक मजबूत रेशा है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे देने हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा पूरा समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू।